Welcome to my channel. I am Vimmi Dogra, solicitor, numerologist and astrologer. Namaste. कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन बेहतर कैसे हो। यह वीडियो मैरिड कपल के लिए है और जो न्यू मैरिज करने जा रहे हैं ये वीडियो खास उनके लिए होने वाला है। समाज में भले लड़कियां कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, लेकिन कई घरों में आजकल ऐसा भी देखा गया है कि कहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख गई है इसलिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, पैसे कमाने लग गई हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं, इसलिए तलाक ज़्यादा हो रहे हैं। और उसी तरह लड़कियां कह रही है कि शादी के पहले उनके पति ऐसे नहीं थे, पहले अलग थे और अभी शादी के बाद काफ़ी अलग हो चुके हैं, उनका स्वभाव एकदम चेंज हो चुका है। ज़्यादा मेन रीज़न डाइवोर्स होने के यही है कि छोटी छोटी बातों पे बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात डाइवोर्स तक चली जाती है। और सबसे मेन रीज़न ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कोई एक दूसरे को समझ के नहीं ले रहा है, बात बात पे छोटी छोटी बातों पे बहस हो जाती है। आजकल के ज़माने में हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, इसलिए पत्नी चाहती है कि वो भी दिन भर जॉब करती है, थक के आती है, वो चाहती है कि पति उसकी हेल्प करे काम में। लेकिन किसी किसी जेंट्स की ऐसी मेंटालिटी है कि नहीं, सब काम पत्नी नहीं करना चाहिए, और अफोर्ड भी कर पाते हैं, दोनों कमा रहे हैं अच्छे से, सर्वेंट रख सकते हैं लेकिन सर्वेंट नहीं रखते हैं। और ये बहस इतनी बढ़ जाती है दोनों में कि वो नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। कई जगह तो मैंने ऐसे भी देखा है कि शादी को 10-12 साल हो चुके हैं लेकिन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के तालमेल बैठ ही नहीं रहे हैं, काफ़ी एक दूसरे को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में वो तलाक लेकर ही एक दूसरे से पीछा छुड़ाते हैं। क्लाइंट तो मेरे पास ऐसे आए थे जिनकी शादी को सिर्फ 3 मंथ हुए थे और वो एक दूसरे के साथ रहना उन्हें बिल्कुल भी गवारा नहीं था, दोनों एक दूसरे को एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे थे, दोनों का तालमेल बैठ ही नहीं रहा था। आखिर उन्होंने डिसीजन लिया कि तलाक ले लेते हैं। तलाक के रीज़न तो बहुत सारे हैं लेकिन जो खास रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ईगो प्रॉब्लम और सेकंड मोबाइल। और तलाक में 50% हाथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है, दोनों एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते हैं। फर्स्ट ईगो, क्योंकि ईगो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपने ईगो की वजह से वो तलाक ले लेते हैं। सेकंड मोबाइल, मोबाइल अगर पति ने ले लिया बस घर में महाभारत स्टार्ट, अगर पत्नी ने पति का मोबाइल ले लिया या चेक कर लिया तो घर में झगड़े स्टार्ट। इन छोटी छोटी बातों को लेकर बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात तलाक तक चली जाती है। और 50% रेशो मैं एक्स्ट्रा मैरिटल का कहूँगी, क्योंकि समाज में आजकल इतना हो गया है कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते हैं, ज़्यादा करके वो ऑफिस में रहते हैं, ईगो की वजह से एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की बेइज्जती करना, फैमिली के सामने एक दूसरे की इज्जत करना, घर में मेहमान आ गए उसके सामने बेइज्जती करना, या फैमिली में और कोई दोस्त वगैरह आ गए उनके सामने एक दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसा बहुत ज़्यादा फैल गया है। ऐसे में पति पत्नी क्या करते हैं, तलाक लेना ही मुनासिब समझते हैं। अगर यदि रोज के झगड़े, रोज के घर में महाभारत, फैमिली अलग परेशान है, बच्चे अलग परेशान हैं, तो ऐसे में मैं भी कहूँगी कि तलाक लेना ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये डिसीजन लेने के पहले जो मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ वो रेमेडी ज़रूर करें। यदि पति पत्नी में से दोनों में से एक भी चाहता है कि तलाक ना हो तो ये रेमेडी आप कर सकते हैं। एक दूसरे से उम्मीदें ज़्यादा ना रखें,
जहाँ हम एक दूसरे से उम्मीद ज्यादा रखने लग जाते हैं वहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसलिए एक दूसरे से उम्मीदें ज्यादा ना रखें, खासकर एनिवर्सरी के दिन। यदि पति आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं, साड़ी या पर्स जो भी लाते हैं, वो अपने अच्छे दिल से लेकर आते हैं, खुशी से स्वीकार करें, ना कि उसमें गलतियां निकालें। रेड कलर की साड़ी लेकर आ गए, मेरे पास तो ये साड़ी बहुत है। येलो रंग का पर्स लेकर आ गए, येलो रंग के तो पर्स मेरे पास बहुत सारे हैं। ये बात आप याद रखें कि जो भी वो चीज़ लेकर आए हैं खुशी से स्वीकार करें। और पति उम्मीद लगाते हैं कि आज एनिवर्सरी है, घर में बहुत सारी अच्छी डिशेस बनी होगी, और पत्नी उम्मीद करती है कि खाना खाने बाहर जाएंगे। इन छोटी छोटी बातों को लेकर मैरिज एनिवर्सरी के दिन ही दोनों की बहस हो जाती है। इसलिए एक दूसरे से ज्यादा उम्मीद ना करें। हस्बैंड एंड वाइफ फ्राइडे के दिन शंकर जी को खीर अर्पित जरूर करें, और वो खीर दोनों बाद में एक साथ मिलकर खाएं। हस्बैंड वाइफ को कभी भी चांदी की गिफ्ट जरूर दें, इससे संबंध अच्छे रहते हैं। बेडरूम में मोर पंख जरूर रखें। रात को सोते समय तकिए के नीचे दो कपूर की टिकियां रखें, इससे आपका संबंध मधुर रहेगा। आपके बेडरूम में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति जरूर होनी चाहिए। अगर मूर्ति नहीं रखी है तो वहां तस्वीर जरूर रखें। हफ्ते में एक बार पति पत्नी दोनों मिलकर मंदिर में जरूर जाएं, और खाना दोपहर का या रात का एक साथ दोनों जरूर मिलकर खाएं। इससे आपस में प्यार बना रहता है और एक दूसरे को समझने में आसानी होती है। यदि हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, पत्नी ने सुबह सूर्य को जल देना है, उसमें थोड़ी हल्दी डालनी है और सूर्य को जल देना है और गायत्री मंत्र का उच्चार करना है। यदि वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड सूर्य को जल देंगे, उसमें थोड़ी हल्दी डालिए, और यह आपको लगातार उपाय करते रहना है, और गायत्री मंत्र की एक माला रेगुलर करनी है। रोज फ्लेवर की अगरबत्ती या कैंडल जरूर लगाएं, और बेडरूम में भी हल्की खुशबू वाली रोज का फ्लेवर हो वह जरूर लगाएं। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन बेहतर कैसे हो आपको बताया है। यह वीडियो अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। यदि वो भी अपनी मैरिज लाइफ से प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही कारगर होगा। आप मुझे फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे जाकर फॉलो जरूर करें। अपने फैमिली फ्रेंड्स को वीडियो जरूर शेयर करें। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।